वस्तुतः 1991 का जो ज्ञानवापी केस का मुकदमा चल रहा है, उस मुकदमे में 18 अप्रैल 2021 को ही एएसआई सर्वे का आर्डर हुआ था, लेकिन इसके बाद जो मुकदमा 5 वादिनी महिलाओं का हुआ वो 18 अक्टूबर 2021 को हुआ। तो दोनों में जो समय का अंतराल है, एक तरफ आर्डर हुआ, दूसरे तरफ मुकदमा किया गया, और ये 5 वादिनी महिलाओं का जो केस है वो व्यक्तिगत वाद है, इंडिविजुअल केस है, जबकि 1991 का जो मुकदमा वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव सूट है, जनप्रतिनिधि वाद है, जिसका परिक्षेत्र संपूर्ण भारत है। और उसी में ये मांग की गई कि एएसआई का सर्वे जो हो चुका है ज्ञानवापी का वो संपूर्ण नहीं है, उसमें रकबा नंबर 9130 31 है 32 है, और 31 32 में तो आज तक कोई एक्सिवेशन की कार्रवाई या कोई एएसआई की सर्वे नहीं हुआ है, अतः उसका भी कराया जाए। और भारतीय पुरातत्व की जो विशेषज्ञता है वो उत्खनन की है, खुदाई करके, तो 4x4 फीट का किसी स्थान से खुदाई करके उसको सीधे ज्ञानवापी मस्जिद के सेंट्रल डोम, जो मध्य का गुंबद है, वहाँ तक जाके उसमें ज्योतिर्लिंग का मूल स्थान उसका पता लगाया जाए, और जिससे कि ये एएसआई की सर्वे संपूर्ण हो सके। इसी आधार पे हिंदू पक्ष द्वारा आज माननीय न्यायालय के समक्ष युगल शंभू की कोर्ट में अपना पक्ष रखा गया, और 19 अक्टूबर को इस मामले में मुस्लिम पक्ष भी अपनी प्रति आपत्ति दर्ज कराना के लिए समय भी मांगा है। तो अगली सुनवाई 19 अक्टूबर को, निसंदेह, जैसा कि आज हमने अपने विस्तार से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के ढेर सारे केस ला को दिया रखा, यानी हिंदू पक्ष ने, उस आधार पे अब हमें आशा है कि मुस्लिम पक्ष अपनी कुछ थोड़ी बहुत आपत्ति रखने का उनका स्पेस बचा हुआ है वो रखेंगे, इसके बाद निसंदेह एएसआई सर्वे के का मामला रख लिया जाएगा सुरक्षित माननीय न्यायालय के द्वारा, और फिर वो बाद में डिलीवर करेंगे वो अपनी तिथि के अनुसार, अपने सुविधा अनुसार। तो हमें आशा है कि इस मामले में एएसआई सर्वे का संपूर्ण रिपोर्ट अब आनी है।